क्वेश्चन नंबर 11, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है वो आर है, इज कैप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, वाटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज पोर्ड इनटू इट अप टू ए हाइट एच। इस कॉनकेव मिरर के अंदर एच हाइट पे पानी है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, इमेज जो है इसके ऊपर ही बने, ऑब्जेक्ट और इमेज जो एक ही प्लेस पे हैं। ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज फॉर्म्स ऑन इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज यदि एक ही प्लेस पे बन रहे एंड इमेज आर एट सेम लोकेशन, देन लाइट मस्ट बी फॉल ऑन कॉनकेव मिरर नॉर्मली। So that it can retrace its path। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम प्लेस पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन इस प्लेन मिरर, इस कॉनकेव मिरर से हो रहा है, तो उसका मतलब रे जो है इसमें नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली इंसिडेंट करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा, एंगल रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा, रेज क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होके जहाँ से रेज आई थी वहीं जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट पे ही वो क्या होगी, हमारी इमेज बनेगी। तो जो लाइट है वो क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए पोल। तो यदि हम पोल से देखें नॉर्मली इंसिडेंट, कॉनकेव मिरर नॉर्मली इंसिडेंट हो तो वो कहाँ से आ रही होंगी, सेंटर ऑफ क्रवेचर से आनी चाहिए, आर डिस्टेंस से आनी चाहिए, वो जो रेज हैं जो इसके ऊपर फॉल कर रही हैं वो किस में से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ क्रवेचर में से पास करनी चाहिए। यानी पानी से देखें उनकी जो डिस्टेंस है पोल से कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए, और पानी के सरफेस से देखें तो उनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आर माइनस एच होनी चाहिए। उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, आर माइनस एच होनी चाहिए। यानी जो सपोज ये कहीं पे है, इमेज हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता ऊपर रखा हुआ है या नीचे रखा हुआ है, सपोज सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस के वाटर के ऊपर है अबोव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे है या यहाँ पे है या सी पे, हमें नहीं पता, सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, इसकी जो इमेज है पानी से देखें वो कहाँ पे बननी चाहिए, सेंटर ऑफ क्रिएचर पे बननी चाहिए, आर माइनस एच की डिस्टेंस पे बननी चाहिए। यानी हमें इमेज पता फाइनली कहाँ पे बननी चाहिए, वो जो इमेज है इसकी जो इमेज है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताता है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, आर डिस्टेंस पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ क्रिएचर में से पास होना चाहिए, सरफेस से उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आर माइनस एच होनी चाहिए। इसकी इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, इसके लिए इमेज का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की सपोज एक्स डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज निकालनी है, पानी से इसकी इमेज देखें तो क्या होगी, एक्स अपीयरेंट डेप्थ या अपीयरेंट हाइट, इसको हाइट बोल सकते हैं, वो किसके बराबर होगी, एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसके अंदर उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है, ये ऑब्जेक्ट जो इसी के एयर के अंदर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो किसके बराबर, एक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो कितना होता है, वन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। तो उसकी जो अपीयरेंट हाइट होगी, अपीयरेंट हाइट मतलब इमेज,
जो पेरेंट हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, एक्स म्यू के बराबर होगी, और म्यू एक्स जो है वो किसके बराबर है, आर माइनस एच के बराबर है। इसकी जो इमेज है पानी से देखें तो कहाँ पे बन रही है, आर माइनस एच की हाइट पे बन रही है, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर माइनस एच अपॉन म्यू के बराबर होगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी को यदि अपीयरेंट हाइट का फार्मूला लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यदि हम इसको रिफ्रैक्शन के फार्मूले से करें तो रेज जो है ऊपर से नीचे जा रही है, इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यू हमारा क्या है, माइनस एक्स है, और रेडियस ऑफ क्रवेचर जो है इसकी इन्फिनिटी है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ क्रवेचर क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, हमें वी निकालना है। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एयर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन वी माइनस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन यू, वो किसके बराबर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन आर। आर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, किसी के नीचे इन्फिनिटी हो तो ये क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। हमें वी निकालना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो म्यू के बराबर है ये वी है, माइनस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वन के बराबर है, ये किसके बराबर है, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके जाएं तो म्यू अपॉन वी जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस वन अपॉन एक्स। वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस म्यू एक्स के बराबर हो जाएगी। माइनस का मतलब है जो आर है वो किधर होगा, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और ये जो वी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वी वो किसके बराबर होगा, म्यू एक्स की वैल्यू जो है आर माइनस एच के बराबर होगी, और तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस एच अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है,